पास्ता को ना तो उबालना है ना ही ज़्यादा मेहनत करना है। आज हम बनाएंगे बहुत ही इंस्टेंट प्रेशर कुकर वाली पास्ता। इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखिए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए हर दिन ऐसी रेसिपी को देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम इस बढ़िया सी रेसिपी को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने एक प्रेशर कुकर में 2 चम्मच तेल लिया है, रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है। तेल अच्छे से गर्म होने दीजिए। गर्म होने के बाद डालेंगे इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को अच्छे से स्टर करेंगे और इसमें हल्का हल्का कलर आने तक फ्राई करेंगे। और जैसे इसमें कलर आएगा हम डालेंगे बारीक कटा हुआ 1 प्याज। मीडियम साइज़ का प्याज लिया है हमने, इसको बारीक चॉप किया है। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में अच्छे से इसमें हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा, तब तक ये पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जलना नहीं चाहिए। तो देखिए प्याज में अच्छा कलर आने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप फ्रेश मटर। फ्रेश मटर की जगह आपके पास स्वीट कॉर्न है तो उसको ले लीजिए। साथ में लेंगे 1/2 गाजर रफली कटा हुआ। इसके साथ ही हम काउली फ्लावर को ले रहे हैं। गोभी, अगर आपके पास ब्रोकली है तो ब्रोकली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में मैंने एक छोटा शिमला मिर्च लिया है। अब इसमें मसाले डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, मैंने नहीं डाला है। अब थोड़ी देर हम इसको अच्छे से स्टर करते हुए सब्जी को पका लेंगे। थोड़ी देर में पक जाएंगे, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। हाई फ्लेम में थोड़ी देर स्टर करेंगे। तो देखिए हमने अच्छे से सब्जियों को मसालों के साथ भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक चॉप करके डाला है और इसके ऊपर से डालेंगे हम नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले लीजिए। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। थोड़ा सा लेंगे हम विनेगर 1 छोटा चम्मच, ये ऑप्शनल है। और इसके साथ ही डाल देंगे हम 2 कप पास्ता। आप पास्ता कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा सूपी बनाने वाले हैं, आप ड्राई बनाने वाले हैं तो उसको भी अरेंज कर सकते हैं। अच्छे से इसको स्टर करेंगे, मिक्स कर लिया लगभग 2 मिनट तक। अब हम इसमें डालेंगे 1 सैसे पूरा, लगभग 1 बड़ा चम्मच मैगी मैजिक मसाला। इससे इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम डालेंगे पानी, लगभग 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। जैसे कि मैंने बोला है हम इसको थोड़ा सूपी बनाने वाले हैं, अगर आपको ड्राई चाहिए तो थोड़ा कम पानी रखिए। और इसको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम में लगभग 1 मिनट तक, या जब तक स्टर करें जब तक हल्का इसमें बॉयल ना आ जाए। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही इजी रेसिपी है। अब हम इसको कवर करके 2 सीटी आने तक पकाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, और इसमें आप सब्जियां अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 सीटी आने के बाद अपने आप प्रेशर को रिलीज होने दीजिए। उसके बाद देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आप भी इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सूपी बनाया है, आप चाहे तो इसको ड्राई बना सकते हैं। ड्राई बनाने के लिए थोड़ा सा पानी कम रखिए और इसको अच्छे से स्टर करेंगे। बहुत ही अच्छे से पक चुका है। और थोड़ा सा अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच टोमेटो केचप। ये डालेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और आप चाहे तो इसमें सोया सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हरे धनिया से गार्निश करेंगे। आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो उसका भी इस्तेमाल करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इंस्टेंट पास्ता रेसिपी बनकर तैयार है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसी लगी। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए हर दिन ऐसी रेसिपी को देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड, कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।